You another DPP and आज हम करने वाले हैं basics of organic chemistry के ऊपर. So welcome to all of you. और कौन-कौन आ गया है जल्दी से मुझे बता दो. Hi, hello, you करके in the comment section. So guys, we are going to start a Mentee quiz. Mentee का जो तुम्हारे पास ये है code वो share कर दिया गया है नीचे. So you can join this on the Mentee. And guys, अगर यहाँ पर पहली बार आ रहे हो, let me tell you about myself. I have done BTech and MTech from IIT Delhi. And guys, we have been continuing this amazing platform of an academy for last 1 year. जिसके अंदर हम तुम्हें best quality education दे रहे हैं इंडिया के अंदर. And along with that, JEE preparation के लिए तुम्हारे इस तरीके जो quiz है, वो भी हम कराते हैं. And guys, you can stay connected with me on Anupam Gupta Chem. ठीक है? This is my Instagram profile. And you can follow me there updates के लिए. And guys, ये जो हमारे जितने भी lectures वगैरह हैं, इन सब के updates तुम्हें Telegram के ऊपर मिल जाते हैं. तो ये वाला जो group है हमारा, इसको जल्दी से follow कर लो. ठीक है, अभी तक follow नहीं कराए तो, क्योंकि इसके ऊपर तुम्हें updates मिलते रहते हैं हमारे next upcoming lectures कौन से हैं. और साथ में ये जो हमारा link है, इसको अगर browser में डालोगे बच्चों, livedaily.me/JEE, इसको जाके अगर ब्राउजर में टाइप करोगे, यू विल गेट द प्लेलिस्ट ऑफ ऑल द लेक्चर्स एंड डीपीपीज व्हिच वी हैव डन टिल डेट. ठीक है, अभी तक की हमने जितने भी डीपीपीज और लेक्चर्स कर रखे हैं, उन सब का लिंक हमने यहां पर बना रखा है. एक प्लेलिस्ट है ये. ठीक है, और इस प्लेलिस्ट से यार तुम्हारी कंप्लीट आईटी जेई की प्रिपरेशन हो सकती है अगर इसको तुम डिलीजेंटली फॉलो करते हो. ठीक है, तो यहां पर हमने सारे के सारे कंसेप्ट जो है बहुत ढंग से सारे के सारे लेक्चर्स के अंदर हमने करा रखे. एंड गाइज, डू रिमेंबर कि अगर तुम्हें अपनी प्रिपरेशन और ज्यादा बूस्टअप करनी है, मतलब अपनी प्रिपरेशन के अंदर चार चांद लगाने हैं, ठीक है, खुद की प्रिपरेशन को और ज्यादा लिफ्ट करना है, बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिशन एंड इफ यू वॉन्ट टू अटेन अ टॉप रैंक, ठीक है, अंडर 10,000-20,000 रैंक, ये तुम्हें लेके आना है. देन यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. अनअकैडमी प्लेटफॉर्म मीन्स अनअकैडमी.com या अनअकैडमी की लर्निंग ऐप, जहां पर तुम्हारे अमेजिंग जो एजुकेटर्स हैं, ठीक है, जे लाइव डेली के जो टॉप एजुकेटर्स हैं इंडिया के, दे आर गिविंग यू बैच कोर्सेज, जिसके अंदर तुम्हारा कंप्लीट पीसीएम की तैयारी जो है कराई जाती है, बाय गिविंग यू द लाइव लेक्चर्स, जिसको तुम अटेंड कर सकते हो एंड वहां पर तुम इंटरेक्ट कर सकते हो यार हमसे. अगर तुम्हें कोई भी डाउट्स हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, वहां पर तुम हमसे पूछ सकते हो. एंड इट इज अ वेरी वेरी अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर तुम्हारे इंडिया के जितने टॉप एजुकेटर्स यार वो सब यहाँ पर पढ़ा रहे हैं. ठीक है, सो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मतलब जो तुम्हारी कोटा की फैकल्टीज थी यार, कोटा पढ़ने के लिए जाते थे 3-4 लाख स्टूडेंट्स हर साल, वो फैकल्टीज भी अब तुम्हें यहाँ पर अकेडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रही है. मतलब अब तुम्हें यार, पहले जो जाते थे कोटा, अब तुम्हें वही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन घर बैठ के मिल रही है अपनी. ठीक है, सो इट्स अ वेरी अमेजिंग प्लेटफॉर्म. बहुत सारे टॉप ऑथर्स भी यहाँ पर हैं, टॉप ऑथर्स जिनकी बुक्स जो है तुम यूज करते होगे. एंड गाइस, यू कैन टेक दिस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इन अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट. ये जो सब्सक्रिप्शन है तुम्हें अगर देखो, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में अवेलेबल है. एक साल का अगर तुम लेते हो तो 2500 पर मंथ, और दो साल का अगर लेते हो तो 1500 पर मंथ. ठीक है, तो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट के अंदर तुम्हें इतनी सारी अमेजिंग फैकल्टीज से पढ़ने का मौका मिल रहा है. एंड गाइस, यहाँ पर ध्यान रखना, यू हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम. ठीक है, यहाँ पर एब्सोल्यूट फ्रीडम है, तुम जिस एजुकेटर से पढ़ना चाहो उनसे पढ़ सकते हो. कोई भी यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है कि तुम सिर्फ एक ही बैच अटेंड कर सकते हो या एक ही टीचर से पढ़ सकते हो. इनफैक्ट देयर आर 75+ टॉप एजुकेटर्स हियर, और उनमें से किसी का बैच भी तुम अटेंड कर सकते हो. सो इट्स अ वेरी अमेजिंग प्लेटफॉर्म विच यू मस्ट ज्वाइन इफ यू वॉन्ट 100% आईटी जेई प्रिपरेशन एंड इफ यू कैन अफोर्ड इट. अदरवाइज यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन द यूट्यूब, और यूट्यूब का जो है पूरा फायदा तुम उठा सकते हो, वेयर वी आर प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट एब्सोल्युटली फ्री. एंड गाइस, एक और बात ध्यान रखना, जब तुम अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने जाओ, डू यूज द अनुपम लाइव कोड. ये एक बच्चों रेफरल कोड है, ये एक डिस्काउंट कोड है, जिसको जब तुम सब्सक्रिप्शन के टाइम पे यूज करोगे अनुपम लाइव कोड को, तो वहां पर तुम्हें यार 10% डिस्काउंट मिलता है अपनी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट पे. जिसके बाद जो तुम्हारी कॉस्ट है यार, एक साल की कॉस्ट है, दैट इज जस्ट 27,000, और दो साल की जो कॉस्ट है, इट कम्स डाउन टू 32,400. सो गाइस, इट्स अ वेरी वेरी अमेजिंग प्लेटफॉर्म विद वेरी लो फी फॉर योर कंप्लीट 100% आईटी जेई प्रिपरेशन, जिसके ऊपर टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं. बहुत सारा तुम्हें फ्रीडम है, क्विज है, टेस्ट सीरीज तुम्हें करने को मौका मिलता है. सो इसको जरूर ज्वाइन करके जरूर फायदा उठाना. एंड डू रिमेंबर, अनुपम लाइव कोड यूज करना फॉर योर अकेडमी सब्सक्रिप्शन. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. ठीक है, अभी तक अगर यार मेंटी पे ज्वाइन नहीं करा है तो मेंटी पे ज्वाइन कर लो. उसके लिए कोड जो है वो 403798 है तुम्हारे पास.
ठीक है, menti.com पे जाओ और इस कोड का यूज करो। जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं आए हैं, तुम्हारे जो फ्रेंड्स अभी तक नहीं आए उनको भी बता दो कि जल्दी से यहाँ पर ज्वाइन कर ले, मेंटी क्विज स्टार्ट होने वाला है। तुम यहाँ पर अपनी जो है लाइव रैंक लिस्ट के अंदर देख पाओगे कि तुम्हारा रैंक क्या रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो तो गाइज, यहां पर हमने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर जो पार्ट्स कवर करे हैं उसके बेसिस पे तुम्हारे पास यहाँ क्वेश्चंस हैं। जल्दी जल्दी बताते जाओ यहाँ पर आंसर क्या होंगे, ठीक है, और यहाँ पर बिल्कुल स्पीड के अकॉर्डिंग तुम्हें और मार्क्स मिलेंगे। अगर तुम ज्यादा स्पीड से करते हो तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, और जितने ज्यादा लोगों के साथ ये अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, उतना तुम्हें अपना रैंक का भी पता लग जाएगा। सो यू कैन कॉल ऑल योर फ्रेंड्स हियर ऑन द menti.com एंड उनको तुम बता सकते हो और इस कोड को यूज करो, ठीक है, 403798, और फिर ये वाला क्विज जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो टाइम्स अप नाउ, लेट्स सी, वेरी गुड, 300, मोर देन 300 ऑफ यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, हमारा केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है हाइब्रिडाइजेशन, मैंने भी तुम्हें बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन का यूज करना। हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल देखते ही समझ में आना चाहिए क्या होगा। और देखो यहाँ पर तुमसे जो है क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ऐसे घुमाने के लिए तुमसे बोला है कि सी सिंगल बॉन्ड सी है, ठीक है, सी सिंगल बॉन्ड सी ये वाला जो है उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन बता दो। यार ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि डबल एक कार्बन एटम है उसका डबल बॉन्ड के लिए अलग हाइब्रिडाइजेशन होगा, सिंगल के लिए अलग होगा, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो व्हेन वी आर सेइंग कि यार ये वाला सपोज मेरे पास कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, यहां पर एक बॉन्ड है और यहां पर एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, सो ऑब्वियसली यहां पर तीन सिग्मा बॉन्ड है बच्चों, ठीक है, थ्री सिग्मा बॉन्ड आर देयर एंड वन पाई बॉन्ड आर देयर। जब भी ऐसा होता है कार्बन के अंदर की तीन सिग्मा बॉन्ड बन रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों वो sp2 होता है, राइट, ठीक है। और ये वाला जो एक पाई बॉन्ड है वो किससे आता है, ये वाला एक पाई बॉन्ड जो होता है तुम्हारा जो यहाँ पर p ऑर्बिटल बच जाता है, तीन p ऑर्बिटल होते हैं उसमें से दो तो हाइब्रिडाइजेशन में चले गए, एक p ऑर्बिटल तुम्हारा बच गया, वो तुम्हारा यूज होता है पाई बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दोनों ही कार्बन जो है बिल्कुल सिमिलर कार्बन है, दोनों कार्बन यहाँ पर ये सिमिलर है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन है, तीन सिग्मा बॉन्ड है वहां पर। ओके, सो लेट्स सी क्या रिजल्ट रहा है यहाँ पर। क्या बात है विनोद, मेरे को लग रहा है कि अब कमेंट सेक्शन में भी बस ये विनोद विनोद ही दिखेगा, विनोद विनोद कुछ तो करते भी रहते हैं। खैर यहाँ पर भी चालू हो गया, ठीक है, एंड अदरवाइज कृष्णा अबीर वन ऑफ द टॉपर, अबीर मैं रेगुलरली देखता हूँ यहाँ पर, तेजस्वी शौर्या प्रेक्षा सैनदीप जय एस्पिरेंट विकास शर्मा, वेरी गुड गाइज, चलो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन हियर। तो गाइज अभी तक menti.com पे नहीं हो जल्दी से menti.com पे जाके ये वाला कोड यूज करो, 403798, आंसर द क्वेश्चन हियर। अमर पूछ रहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड है क्या, अगर ढंग से पढ़ोगे, ठीक है, कंसेप्चुअली पढ़ोगे जैसे हम यहाँ पर तुम्हें पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें सबसे आसान और सबसे स्कोरिंग पार्ट लगेगा। बात यही कि ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है, मैटर करता है कि किस तरीके से पढ़े हो या तुम्हें किस तरीके से पढ़ाया गया, ठीक है। अगर सही तरीके से केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है और पढ़ते हैं तो इट इज द इजिएस्ट पार्ट, ठीक है, अगर गलत तरीके से पढ़ा जाता है तो इट इज द टफेस्ट पार्ट। वेरी स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, स्टिल
300 प्लस ऑफ यू आर एबल टू आंसर, बट थोड़े बहुत यहां पर अभी भी गलत हैं। लेट्स सी क्वेश्चन जो है, बेसिक क्वेश्चन है रिलेटेड टू अगेन योर हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स कैरेक्टर। यहां पर पूछा गया है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर, बच्चों परसेंटेज एस कैरेक्टर किस तरीके से निकाला जाता है। लेट्स सी, अगर हम बात करते हैं इथेन की, ठीक है, इथेन मतलब CH3, इसके अंदर जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन बच्चों क्या होता है, sp3 होता है। जब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो बोलते हैं 1s ऑर्बिटल है और 3p ऑर्बिटल है, ठीक है। इसका मतलब जो s का कैरेक्टर होगा, परसेंटेज s कैरेक्टर, दैट इज 1/1+3, दैट इज इक्वल टू 25%। सिमिलरली अगर हम देखेंगे इथीन जो होता है उसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब 1s और 2p। अगर मैं परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करूं तो 1/1+2 दैट इज इक्वल टू 1/3, दैट इज 33% हो जाता है यहाँ पर। एंड इथाइन की बच्चों बात करें तो इथाइन जो हमारे पास होता है उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का कितना होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब 1s और 1p। और यहाँ पर अगर मैं परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करूं तो 1/1+1 दैट इज इक्वल टू 50%। इस तरीके से हम परसेंटेज एस कैरेक्टर का कैलकुलेशन करते हैं। एंड मैन ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, वेरी गुड गाइस। सो दिस इज द करेक्ट आंसर हियर, दिस इज द परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हमें ये चीज बतानी पड़ती है। तो वेरी गुड, लेट्स सी यहाँ पर क्या रिजल्ट रहा। बादल, अभिनय, योगेश, कृष्णा, वीर, अनुवास, शौर्य, रश्मि, टिल्लू, नमन, चलो वेरी गुड गाइस। लेट्स सी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मॉलिक्यूल विच हैज ओनली वन पाई बॉन्ड, ठीक है। अगेन तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, बॉन्डिंग इज द असेंशियल पार्ट टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। कार्बन के जितने भी हमारे पास हैं सारे के सारे समझ में आने चाहिए, तुम्हें बिल्कुल देखते ही समझ में आ जाना चाहिए यार यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के अंदर ये बॉन्ड है, ये यहाँ पर हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं होगा एटसेट्रा। तो ये बिल्कुल देखते ही समझ में आ जाना चाहिए और ये तुम्हारा क्वेश्चन उसी के ऊपर है कि यार बॉन्डिंग के सारे फंडे क्लियर होने चाहिए। पाई बॉन्ड यहाँ पर पूछ रहे हैं, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड कहाँ पर है विच हैज ओनली वन पाई बॉन्ड, ठीक है। वेरी गुड, मैक्सिमम ऑफ यू आर एबल टू आंसर, टाइम भी खत्म होने वाला है। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन है जिसमें मतलब करके काफी लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, चलो यार ये सब तो हमें आता है, ठीक है। तो आई थिंक 500 में से वेरी गुड 400 प्लस स्टूडेंट्स आर एबल टू आंसर दिस वेरी करेक्टली, इसमें किसी को डाउट नहीं है। कब कुछ लोगों को अभी भी गलती हो रही है, ABD मार्क करा है यार, है ना। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बिल्कुल कॉन्फिडेंस लाने वाला क्वेश्चन है कि हाँ यार चीजें आती हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो पाई बॉन्ड है बच्चों, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड ओ के अंदर, एंड यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड है हमारे पास, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा है, ठीक है, यहाँ पर दो पाई बॉन्ड है, और यहाँ पर भी अगर हम देखें बच्चों, ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी सी सी, तो यार मचा रहे हो तुम लोग, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर मचा रहे हो, बॉन्डिंग के फंडे तुम्हारे क्लियर हैं, वेरी गुड। तो सी इज द करेक्ट आंसर हियर, लेट्स सी क्या रिजल्ट रहा। अभिनय, योगेश, कृष्णा, बी, रश्मि, प्रियम, अर्जुन, किंग ऑफ केमिस्ट्री इज ऑल्सो हियर, वेरी गुड गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंटी ज्वाइन करने के लिए आपको menti.com पे जाना है एंड यू हैव टू यूज द कोड 403798, ठीक है, ये करना है, ऊपर तुम्हारा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। तो टू पेंटीन कंटेन्स वॉट, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। संकेत हाइड्रोकार्बन के ऊपर, आई विल सर्टेनली ट्राई टू डू दैट, है ना, बिकॉज बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हम कर ही रहे हैं, उसके साथ में हाइड्रोकार्बन की जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको भी हम कवर कर देंगे इन वन शॉट वीडियो, है ना।
लेट्स सी, टू पेंटीन कंटेन्स हाउ मेनी सिग्मा? यार इससे मतलब वो भी पता लग रहा होगा, स्पीड से तुम्हें पता लग रहा होगा कि तुम कितना कर पा रहे हो, बाकी स्टूडेंट्स कितना कर पा रहे हैं स्पीड, ठीक है? क्योंकि यहां पर जो है स्पीड पे भी डिपेंड करता है। कोविन प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है? ओ हो, यहाँ पर तो दो हमारे पास आंसर आ गए, 201 ए बोल रहे हैं एंड 239 स्टूडेंट्स आर सेइंग बी। लेट्स सी, टू पेंटीन की बात करें बच्चों, यहां पर फ्रीक्वेंसी यार जितने हाइड्रोजन होंगे यहां पर है ना, जितने भी हाइड्रोजन होंगे उतने तो तुम्हारे पास सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, प्लस चार जो है कार्बन के बीच में और आ जाएंगे है ना। सो लेट्स सी, यहां पर तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह एंड टोटल 14 सिग्मा बॉन्ड। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द पाई बॉन्ड, सो आई थिंक आसान क्वेश्चन था बट के अंदर भी काफी लोग फंस गए है ना। ओके चलो गाइस, दिस इज द आंसर हियर। और इंटरेस्टिंगली आसान क्वेश्चन था, उसमें भी काफी लोग फंस गए है ना। तो यार ये तो जेई में होता ही रहता है काफी बार है ना, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में होता है कभी कभी, मतलब आसान से क्वेश्चन दिखने वाले होते हैं तब भी लगता है यार पता नहीं शायद जल्दी जल्दी में कुछ गलत कर दिया, और जल्दी जल्दी में गलत करने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। वेरी गुड प्रियम, अबीर, अनुबस, उनी, शुभम, कृष्णा, योगेश, बेनीवाल, जय, आदित्य, वेरी गुड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्रोलीन में बी रिटन एज, ठीक है, पोलराइजेशन की बात करते हैं कि एक्रोलीन अगर मेरे पास मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो एटम्स हैं उनमें मुझे पोलराइजेशन क्या मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कहां ज्यादा मिल सकती है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कहां ज्यादा मिल सकती है, ठीक है। आकाश, हाउ मेनी मोर लेक्चर्स? बेटा अभी तो देयर इज डिसेंट नंबर ऑफ चैप्टर्स विच आर रिमेनिंग है ना। अभी तो मैंने बेसिक्स इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज काफी जो है काफी लोग केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे जब ये बेसिक्स चल रहे होते हैं तब ध्यान ही नहीं देते, इतना उस टाइम इतना फील भी नहीं आती, उतना समझ नहीं आता है ना। जैसे केमिस्ट्री का धीरे धीरे बिल्डअप होती है, पर 11th के बाद आगे जाते जाते ना धीरे धीरे इसकी फील बढ़ती जाती है। तो अब जाके आई थिंक मैं जो कंसेप्ट करा रहा हूँ जो केमिकल बॉन्डिंग के भी थे उनकी फील ज्यादा अच्छी आ रही होगी है ना, मजा आ रहा होगा देखने में। अच्छा ये चीज मैंने पहले पढ़ी थी बट इतना अच्छी तरह समझ में आई थी, अब समझ में आ रही है। और ऑर्गेनिक क्लियर केमिकल बॉन्डिंग के फंडे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वेरी गुड, 388 ऑफ यू आर एबल टू गेट इट करेक्ट। लेट्स सी क्या आंसर था यहाँ पर। पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें बच्चों एक्रोलीन के अंदर, ठीक है, दिस इज आर एक्रोलीन मॉलिक्यूल, और यहाँ पर पोलराइजेशन जो है वो रहेगा पूरे मॉलिक्यूल के अंदर। और क्यों रहेगा, बिकॉज यहां पर रेजोनेंस हो सकता है। कौन सा वाला रेजोनेंस हो सकता है, कल ही मैंने तुम्हें इस तरह का रेजोनेंस जो है उसके बारे में बताया था कि सपोज हमारे पास एक सी डबल बॉन्ड सी है, उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, तो उस केस के अंदर जो तुम्हारा रेजोनेंस है फेवर्ड रेजोनेंस जो होगा वो सिर्फ इस तरीके का होगा है ना, ये वाला तुम्हारा रेजोनेंस हो सकता है। और अगर इस तरीके से यार एरो एरो बना के काम करोगे तो बिल्कुल जो है समझ में वाली चीज आती है कि हमें किन केसेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर भेजनी है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑर्गेनिक जो है मैंने तुम्हें बता दिया इलेक्ट्रॉन्स के फंडे के बेसिस पे ही चलता है, ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू से इज कि देखो ये हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एवरेज में अगर मैं देखूं रेजोनेंस में क्या होगा, तो देखो यहां पर एवरेज में मैं बोलूंगा कि यहां पर इस वाले कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रहेगी है ना, यहां पर जो है पोलराइजेशन पॉजिटिव वाला रहेगा। और क्योंकि इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इस वाले ऑक्सीजन पे क्या रहेगा, यहाँ पर डेल नेगेटिव चार्ज रहेगा। बीच वाले कार्बन के अंदर हमें कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर क्या नहीं दिख रहा है, कोई हमें पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी वहां पर नहीं दिख रही है, एंड हेंस हम यहाँ पर बोलेंगे कि यार डी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर डी पोलराइजेशन। बिल्कुल क्लियर है वाली बात। चलो लेट्स मूव
टू द रैंक लिस्ट, लीडर बोर्ड देखते हैं कौन कौन आ गया इसमें। प्रिया मनीष, अबीर, अबीर इज मेंटेनिंग आई थिंक सेकंड या थर्ड पोजीशन। जय दिवाकर बंसल, बेनीवाल, अंकुश, रश्मि, अर्चिता, प्रेक्षा एंड वेरी गुड गाइस। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट रेडी फॉर दैट। और अब नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेजोनेंस, है ना, रेजोनेंस के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर क्या होंगे। तो थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ने के अंदर, आई एम श्योर यू गाइज विल लुक एट इट एंड स्पेंड सम टाइम हियर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा, ध्यान रखना। अनंत रस्तोगी, 11th के अंदर बेटा आई एम टीचिंग दिस थर्मोडायनेमिक्स, और 12th के अंदर आई एम टीचिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। अभी सरफेस केमिस्ट्री चल रहा था, फिर उसके बाद हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू करेंगे, ठीक है। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन देयर, एंड साथ में जो ऑर्गेनिक है वो थोड़े टाइम बाद आई विल रीस्टार्ट, ठीक है। तो यार ध्यान रखना, इफ यू वांट टू ज्वाइन प्लस, अभी तक प्लस ज्वाइन नहीं करा है तो बिल्कुल कर लेना। It's a very affordable platform and it is certainly going to help you in your JEE preparation. बहुत help करने वाला है तुम्हें JEE preparation के अंदर. There is going to be a lot of different kind of quizzes, tests which we are going to conduct there. ठीक है, और उससे जो है तुम्हारा boost up होता है obviously, and doubt clearing session से भी boost up होता है तुम्हारा जो JEE preparation level है. Okay, यहाँ पर कुछ लोगों ने A करा है, कुछ C करा है, ठीक है। तो यहाँ पर A और C के बीच में जो है थोड़ा डिसोनेंस है, पीपल आर सेइंग कि यार ए भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ सी बोल रहे हैं। सो इफ यू लुक एट इट कि यार अगर तुमसे यहाँ पर एक सिंगल स्टेटमेंट पूछा जाए कि कौन सा जो इनकरेक्ट है, देन सर्टेनली इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देयर शुड नॉट बी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ये तो तुम्हारे पास बिल्कुल ही गलत है ना, ये तुम्हारे पास गलत स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रॉन पेयर तुम्हारे पास सेम रहेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स या तो बॉन्ड पेयर्स की तरह रहेंगे या फिर लोन पेयर्स की तरह रहेंगे, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो सेम रहेंगे तुम्हारे पास, ठीक है, ये तो इनकरेक्ट है। एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड हैव इक्वल एनर्जी, तो आई वुड से कि हाँ थोड़ा बहुत यार इस वाले स्टेटमेंट के अंदर हम बोल सकते हैं कि थोड़ी बहुत गलती है कि यहां पर हमें काफी सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स देखते हैं जिसके अंदर इक्वल एनर्जी है, पर कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर सिमिलर एनर्जी मिलती है, एग्जैक्टली इक्वल एनर्जी नहीं मिलती, बट वी गेट वॉट वी नोन एज सिमिलर एनर्जी। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वही हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है, वही हमारे पास सिग्निफिकेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी सिमिलर एनर्जी है, अदरवाइज वो सिग्निफिकेंट ही नहीं होते। तो इफ आई आस्क यू कि यार इसमें से एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है जो हमारा हर कंडीशन में गलत ही होगा, तो वो सी वाला हमारे पास हर कंडीशन में गलत ही होगा, ठीक है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स चेंज कर दिए तो यार मतलब वहां पर कुछ ना कुछ हमने बॉन्डिंग के अंदर इस तरीके से चेंज करा है कि वहां पर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा सिग्मा बॉन्ड बन गए होंगे, ठीक है। अदरवाइज तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, अगर एटम सेम है, ठीक है, और तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ऐसा तो नहीं उनका अनपेयर्ड करके रख सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर तुम्हारे पास सेम रहेंगे। बात बिल्कुल क्लियर है, किसी को डाउट है इसके अंदर? लेट्स सी क्या रिजल्ट है यहां पर। वेरी गुड गाइज, वी कैन सी न्यू स्टूडेंट्स नेम हेयर, ठीक है। आई थिंक ये भी क्वेश्चन वही है, जल्दी जल्दी के अंदर क्या कर दिया है, वो वाली बात हो गई है, ओके चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। सो हियर द क्वेश्चन है कि भाई तुम्हारे पास यहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स हैं, फिर ये पूछ रहे हैं कि ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, टॉटोमर्स हैं, ठीक है।
या फिर हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं कौन किसने क्या करा है। ओहो वेरी गुड, 458 ऑफ यू आर एबल टू क्लियरली आंसर। यार यहाँ तो रेजोनेटिंग होगा, किसने बोला भी यार अभी तो यही पढ़ा है तो आई थिंक यही आंसर होना चाहिए, है ना। तो सर्टेनली दैट इज अ गुड पॉइंट, यार अभी तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़े तो वही हमारा होना चाहिए, ठीक है। बाकी अभी टोटोमर्ट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल तो पढ़ा नहीं है, बट गाइस दिस इज अ पार्ट ऑफ 11th क्लास, ठीक है। इसको हम ट्राई करेंगे कवर करने का, बाकी जो हमारे पास बी सी डी जो है, ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर वी विल ट्राई टू कवर इट, बट उसके लिए जो है वी विल हैव टू डू अ सिंगल क्लास, ठीक है। आई ट्राई टू टेक अ सिंगल क्लास फॉर दैट। लेट्स सी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सी हमारे पास बात है, इस तरीके से रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। ये सी डबल बॉन्ड सी हमारे पास बन गया एंड ये वो नेगेटिव बन गया। देखो टॉटोमर्स कुछ बोल सकते हैं कि सर ये टॉटोमर्स क्यों नहीं है, टॉटोमर्स क्यों नहीं है। देखो टॉटोमर के अंदर होता क्या है, अगर जैसे तुम बात कर रहे हो कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म की बच्चों, तो वहां पर एक हाइड्रोजन होता है जिसका प्लेस शिफ्ट होता है ना, एक हाइड्रोजन होता है जिसका प्लेस शिफ्ट होता है, याद है। जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर सी एस थ्री है, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ पर सी एस थ्री है, और इसका अगर मैं टॉटोमर बनाना चाहूँ, कौन सा वाला, कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म, है ना, तो उसके अंदर एक हाइड्रोजन का प्लेस शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर हाइड्रोजन का प्लेस शिफ्ट हो रहा है देन वी कैन से कि यार ये हमारे पास टॉटोमरिज्म है, अदरवाइज तो हमारे पास क्या है, यहां पर कोई भी एटम मूव नहीं कर रहा है, कोई अगर एटम मूव कर रहा है सिर्फ तुम्हारे पास पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहे हैं, देन दैट इज अ नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रूल होता है कि एटम नहीं मूव करने चाहिए, ठीक है, वहां पर एटम्स नहीं मूव करने चाहिए। बात बिल्कुल क्लियर है, चलो Let's move on to the next question. अच्छा, लीडर बोर्ड देख लेते हैं अभी कौन है यहाँ पर। अनुबस यूपी वाले हमारे अनुबस जो हैं, वो वापस लीडर बोर्ड के अंदर आ गए हैं, पहले एक दो क्वेश्चन में नहीं देखते हैं, ठीक है, फिर वो चढ़ते चढ़ते ऊपर आ ही जाते हैं। वेरी गुड गाइज, कृष्णा, संदीप, पटेल, अंजू, रश्मि, अनुबस, माया, रेशिद, रेजोनेंस, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसको भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है Do remember, use the code Anupam Live, ठीक है, मेरे जो upcoming batches हैं, you can attend them there, ठीक है, हमारा बाकी का जो पूरा ITJ का preparation है वो हो रहा है। 11th अगर तुमने ढंग से नहीं करी है, you can attend my 11th batches, ठीक है, and get your chemistry, like chemistry को जो है मतलब बिल्कुल एक top level पे लिया, because chemistry is very very scoring, बहुत scoring रहता है, मतलब कुछ subjects में ऐसा होता है, कुछ subject मतलब बाकी के बच्चे जो physics maths हैं obviously, बहुत अच्छी तैयारी कर डालते हैं बच्चे, है ना, बट क्वेश्चन जो है वो काफी टफ आ जाते हैं। बट केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि कभी भी ऐसा नहीं देखा जाता कि एक लेवल से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक बिल्कुल एवरेज मेंटेन लेवल रहता है केमिस्ट्री का, उससे ऊपर जाते नहीं है क्वेश्चन, बिकॉज जा नहीं सकते। केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट, एक्सपेरिमेंट को तुम कितना चेंज कर लोगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट को तो तुम ज्यादा चेंज कर सकते नहीं हो, राइट। सो एक्सपेरिमेंट जो हमारा केमिस्ट्री के क्वेश्चन का लेवल है वो एक ऐसा मेंटेन रहता है जेईई मेंस के अंदर कि एक लेवल से ऊपर नहीं जाते, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके अंदर बहुत आसानी से स्कोर कर पाते हैं। तो मेक योर केमिस्ट्री अ वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, ठीक है, उससे बहुत मजा आएगा तुमको जेई के पेपर करने में भी, है ना, और वहां पर मार्क्स लेके अच्छा रैंक लाने में बहुत मजा आएगा। तो वेरी गुड गाइस, 409 ऑफ यू आर एबल टू आंसर दिस वेरी करेक्टली कि भाई यहाँ पर जो है रेजोनेंस कहाँ पर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस विल पॉसिबल, और यहाँ पर रेजोनेंस तभी हो सकता है जब हम बात कर रहे हैं जैसे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हो, या फिर हमारे पास डबल बॉन्ड हो और कार्बोकेटाइन हो, या फिर डबल बॉन्ड हो और साथ में लोन पेयर हो, लोन पेयर वाला एटम हो, वहां पर हमारे पास रेजोनेंस हो सकता है। गाइस दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू गेट हियर, इस तरीके से रेजोनेंस यहां पर रहेगा। चल वेरी गुड, इनऑर्गेनिक का बच्चों मैंने जो यहां पर नाइट्रोजन फैमिली का एक वन शॉट लेक्चर लिया था उसको जरूर देख लेना, अभी तक तुमने नहीं देखा हो तो, है ना।
वेरी गुड कृष्णा पटेल, अंजू, माया, अनुभस, रश्मि, रेजोनेंस, फ्रेश, करण एंड लीडर बोर्ड. करण है स्पेसिफाइड, वो वही वाला करण है जो लीडर बोर्ड में आएगा, वरना नहीं आएगा, है ना. चलो एंड रेणु पुकार, रक्षदा, उदय. चलो लेट्स मूव ऑन. गीता वर्मा, हाउ टू कनेक्ट बोथ एंड मेंटीमीटर. पर आपको दो डिवाइस यूज करना पड़ेगा उसके लिए, है ना. विल हैव टू यूज टू डिवाइसेस. अब ये तुम्हारी जो है नॉलेज अच्छी है, ठीक है, तो बता पाओगे. अगर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ये वाली नॉलेज जो है तुमने ली है तो आराम से बता पाओगे. अगर ये नॉलेज अभी तक नहीं ली तो आई थिंक हो सकता है तुम्हें प्रॉब्लम हो. बट दिस इज समथिंग विच इज यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड. रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है ना, रेजोनेंस एनर्जी से क्या मतलब हम निकालते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेजोनेंस एनर्जी. ओके, ताई साथ सतीश बेटा तुम यही लिखने आए हो क्या यहाँ पर. यार वो बात हो जाती है ना कि अलग अलग टाइप से फैन फॉलोइंग होती है, वो इसे फेमस लोगों की अलग अलग टाइप की फैन फॉलोइंग होती है. वेरी गुड. So 299 of you are able to answer this. 147 have answered D option here. ठीक है. Okay. तो काफी लोगों को जो लग रहा है यहाँ पर कि D option सही होना चाहिए, वो तो मतलब नहीं है. देखो resonance energy क्या होता है, जल्दी से मैं बता देता हूँ. देखो मैंने तुम्हें बताया कि resonance का मतलब क्या है, ठीक है. resonance का मतलब क्या होता है कि pi electrons और lone pairs की आवारागर्दी, है ना. यही हमने पढ़ा था कि essentially resonance क्या है. रेजोनेंस क्या है हमारे पास, कि जो हमारे पास लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, एंड हमारे पास पाई बॉन्ड्स जो होते हैं, ठीक है, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उनको मूव करने की जगह मिल जाती है, ठीक है, अगर उनको मूव करने की जगह मिल जाती है तो हमारे पास क्या होता है कि वो रेजोनेंस कर पाते हैं. मूव करने की जगह मतलब या तो उनके पास ऑल्टरनेट में एक दूसरा पाई बॉन्ड लगा हो, या उनके ऑल्टरनेट में एक लोन पेयर हो, या उनके ऑल्टरनेट में खाली पी ऑर्बिटल हो, या उनके ऑल्टरनेट में एक वो रेडिकल हो. तो इस तरीके से होता क्या है, इस तरीके से पाई बॉन्ड क्या कर सकते हैं या लोन पेयर क्या कर सकते हैं, हमारा डीलोकलाइज हो सकते हैं. और डीलोकलाइजेशन के बाद एक हमारे पास सिंगल हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है वो क्रिएट होता है, और वही रियल स्ट्रक्चर होता है. अदरवाइज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हम बनाते हैं इस तरीके से, उनका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है. नाउ अंडरस्टैंड दिस, रेजोनेंस एनर्जी का मतलब ये नहीं होता. रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, ये नहीं होता कि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जाने का जो है एनर्जी, क्योंकि ये तो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर सकते. ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वर्चुअल चीजें हैं, ये हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाते हैं. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो अपने लिए बनाते हैं. अगर मैं बोलूं ये RS1 है, ये RS2 है, ये सिर्फ हम पेपर पे बनाते हैं, इनका रियल लाइफ में कोई भी जो है मीनिंग नहीं है. रियल लाइफ में सिर्फ क्या होता है हमारे पास, ये होता है. बेंजीन का मतलब सिर्फ ये होता है जिसके अंदर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हो. नाउ व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी. अब यहां पर जो हम बोल रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स आवारागर्दी करते हैं, डीलोकलाइज होते हैं, उस प्रोसेस के अंदर होता क्या है, उस प्रोसेस के अंदर उनको खुशी मिलती है, ठीक है, दे गेट रिलैक्स्ड. क्या मिलता है उनको, खुशी मिलती है, दे गेट रिलैक्स्ड. और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जब उनको खुशी मिलती है, मतलब वो रिलैक्स फील करते हैं, ठीक है, तो एसेंशियली व्हाट वी मीन इज कि जो तुम्हारा मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो तुम्हारा मॉलिक्यूल है वो क्या हो रहा है, तुम्हारा मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो रहा है. क्या हो रहा है, तुम्हारे पास मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है. व्हेन वी से डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैपन, देन रेजोनेंस की वजह से वहां पर तुम्हारा जो जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल है वो स्टेबलाइज होता है बाय रिलीजिंग सम एनर्जी. डीलोकलाइजेशन की वजह से स्टेबलाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल बाय रिलीजिंग सम एनर्जी, है ना. एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर देखा जाए ना कि स्टेबलाइजेशन कब होता है, तो देयर इज ऑलवेज सम रिलीज ऑफ एनर्जी. मतलब जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ते हैं ना कि यार सपोज हमारे पास एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, एक नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन थोड़ी दूर पे, और वो दोनों जब पास आते हैं, ठीक है, तो क्योंकि देखो क्या होता क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में प्यार होता है. जब वो पास में आते हैं तब हमेशा क्या होता है, वहां पर कुछ एनर्जी रिलीज होती है ना. एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा है तुमने, यार एक फोटोन रिलीज होता है एनर्जी का, है ना.
तो जब भी हम बात करते हैं कि यार किसी सिस्टम में स्टेबलाइजेशन होता है किसी केमिकल सिस्टम के अंदर, है ना, हम मॉलिक्यूल की बात करें या एक प्रोटॉन एक हमारे इलेक्ट्रॉन की बात करें, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की बात करें, जब भी हमारे पास स्टेबलाइजेशन होता है, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज होती है। और रेजोनेंस के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है बच्चों, वही हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। एंड इट इज अ मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। वो क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। जितना ज्यादा तुम्हारे पास एनर्जी रिलीज होगा उतना ज्यादा तुम्हारे पास क्या होगा, स्टेबिलाईजेशन होगा। ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलाईजेशन होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। नाउ रेजोनेंस एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड, ये भी गलत है हमारे पास, ऑब्वियसली ये भी गलत है। रेजोनेंस एनर्जी इज अबाउट द स्टेबिलाईजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। बिल्कुल बात क्लियर हो गई। चलो लेट्स सी क्या रिजल्ट रहा अभी। वेरी गुड अंजू, रश्मि, सेड, प्रियम, सेड, प्रियम, करण, प्रथम, अक्षत। चलो वेरी गुड, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। Which of the following is not correctly matched? सरफेस केमिस्ट्री के बारे में पूछ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ाया जाएगा बेटा, बट बात समझो यार, केमिस्ट्री का जो है कोर्स बहुत ज्यादा अलग अलग डाइवर्ज फील्ड का क्वेश्चन है, मतलब पोर्शन रहता है हमारे पास, तो बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, इट विल टेक सम टाइम बट बिल्कुल करा देंगे उसको भी। सरफेस केमिस्ट्री इज अ वेरी इजी चैप्टर, ठीक है, यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ोगे तो यार सब आसानी लगेगा, है ना, बस थोड़ा सा याद रखने का रह जाता है, वो तुम्हारा होमवर्क हो जाता है, बट वैसे बहुत आसान है, बहुत स्कोरिंग पार्ट है, ठीक है। प्लस पे भी पढ़ सकते हो अगर तुम प्लस पे हो तो। राइट नाउ आई एम टीचिंग सरफेस केमिस्ट्री ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म, ठीक है, अभी प्लस प्लेटफॉर्म पे आई एम टीचिंग सरफेस केमिस्ट्री। अगर ज्वाइन करना चाहते हो प्लस तो जरूर ज्वाइन कर लेना, एंड यू कैन यूज माय कोड अनुपम लाइव फॉर योर डिस्काउंट। 229 ऑफ यू आर एबल टू आंसर करेक्टली, बाकी लोगों ने यहां पर गलत जवाब दिया है। लेट्स सी क्वेश्चन क्या था हमारे पास, यहां पर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनकरेक्ट मैच कौन सा है यहां पर, ठीक है। तो क्योंकि यहां पर कम स्टूडेंट जो आंसर कर पाए हैं, लेट मी शो यू ईच ऑफ द ग्रुप। और देखो कल मैंने जो लेक्चर लिया था उनके अंदर मैंने तुम्हें सारे के सारे ग्रुप दिखाए थे, सो अंडरस्टैंड, सपोज मेरे पास लगा हुआ है NH C डबल बॉन्ड OR, तो गाइस ये अगर मेरा ग्रुप C डबल बॉन्ड C के पास लगा हुआ है, ठीक है, अगर ये वाला ग्रुप मेरा C डबल बॉन्ड C के पास लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, क्या ये मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, प्लस R इफेक्ट शो करेगा या माइनस R इफेक्ट शो करेगा। सो गाइस व्हाट आई टोल्ड यू इज कि देखो इस तरीके से C डबल बॉन्ड C बना दो एंड देन लुक एट दी सिस्टम। अब देखो इस सिस्टम के अंदर क्या है, ये जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, अगर हमारे पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और सी डबल बॉन्ड सी पास में लगा हुआ है, तो मैंने तुम्हें बताया कि यार जब भी सी डबल बॉन्ड सी के पास एक ऐसा एटम हो जिसके पास लोन पेयर हो तो वो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, दैट मीन्स वो वहां पर प्लस एम इफेक्ट शो कर सकता है, इवन दो सी डबल बॉन्ड हो जो है, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन पे लगा हुआ सी डबल बॉन्ड हो वहां पर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नाइट्रोजन से खींचेगा, बट सी डबल बॉन्ड सी के अगर मैं बोलूं ये वाला ग्रुप क्या करेगा, तो नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा और वो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, है ना। इस सी डबल बॉन्डो का इफेक्ट सी डबल बॉन्ड सी पे नहीं है, है ना, इस सी डबल बॉन्डो का इफेक्ट सी डबल बॉन्ड सी पे नहीं है कोई इफेक्ट, सी डबल बॉन्ड सी पे सिर्फ किसका इफेक्ट है, नाइट्रोजन का, तो वहां पर वो प्लस एम ग्रुप होगा, ठीक है, बात बिल्कुल समझ में आ गई। लेट्स इसी तरीके से OCOR भी है बच्चों, इसी तरीके से D वाला मेरा ऑप्शन जो है उसको ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड C है, यहां पर O है और यहां पर C डबल बॉन्ड OR है, ठीक है। सो लुक एट दिस, यहां पर C डबल बॉन्ड C के पास एक ऐसा एटम लगा हुआ है जिसपे लोन पेयर है, तो यहां पर ये क्या करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, C डबल बॉन्ड C के लिए क्या करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। OR की अगर मैं बात करूं तो देखो वापस से इस तरीके से बना दो, C डबल बॉन्ड C एंड OR, ठीक है, लोन पेयर वाला हमारे पास ग्रुप है, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ, अगर मैं सी डबल बॉन्ड सी की बात करूं और वहां पर सी डबल बॉन्ड ओ बना दूं, तो बच्चों यहां पर मैंने तुम्हें
तीन चार बार अब बता दिया इस केस के अंदर कि रेजोनेंस कैसे होगा और यहां पर रेजोनेंस इस तरीके से होगा, इसका मतलब ये वाला ग्रुप मेरा माइनस एम की तरह काम करेगा, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा, बिकॉज वहां पर क्या है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। सो हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है इनकरेक्ट है। एंड सिमिलरली बच्चों अगर मैं यहाँ पर OH को दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है, OH क्या करेगा, तो OH तुम्हारा किसकी तरह हो गया, OR की तरह हो गया, वहां पर लोन पेयर है, ठीक है, अगर मैं C डबल बॉन्ड C कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पर ये इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो दिस इज अ प्लस R ग्रुप। Hence ये जो B वाला ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, दैट B वाला ऑप्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पर सही आंसर है, दैट मीन्स इट इज इनकरेक्टली मैच्ड, ये क्या है इनकरेक्टली मैच्ड है, बाकी सारे ऑप्शन जो है अगर तुम देखोगे दे आर करेक्टली मैच। ये भी हमारे पास माइनस आर ग्रुप होगा, ये भी माइनस आर ग्रुप होगा, ये भी माइनस आर ग्रुप होगा, इसकी बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो बच्चों। सी लुकिंग एट दिस रिजल्ट, ठीक है, इस रिजल्ट को देखते हुए जिन भी लोगों ने ए सी डी अटेम्प्ट किया था, सो ऑब्वियसली यू गाइस नीड मोर प्रैक्टिस इन दिस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनिक का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनिक का, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल भी मिस मत करना कि रेजोनेंस इफेक्ट में प्लस आर माइनस आर कैसे देखते हैं, कौन सा ग्रुप क्या क्या देता है, प्लस आए इंडक्टिव का भी ध्यान रखना, प्लस आए माइनस आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेरी गुड रश्मि, प्रियम, सिम्बा, जय, करण, अनुबास, कृष्णा, अभी, राहुल, रोनाल्ड, वेरी गुड, देख लिया लीडर बोर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एमडी मूसा, वी नीड टू रिमेंबर प्लस आर, बेटा अगर जैसे फंडे मैंने तुम्हें बताए ना तो तुम्हें खुद ही देखने लग जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, अगर मैंने जो कंसेप्ट तुम्हें सिखाए हैं लेक्चर्स के अंदर उसको ध्यान रखोगे, है ना, तो तुम्हें आफ्टर सम पॉइंट आफ्टर सम प्रैक्टिस खुद ही पता लगने लग जाएगा कि यार देखो यहाँ पर तो इस तरह के बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास प्लस आर होगा माइनस आर होगा, और इनफैक्ट जितने भी तुम्हारे ऐसे एटम्स हैं जिन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, कल मैंने तुम्हें दिखाया था, दे विल एक्ट एज प्लस आर ग्रुप अगर उन पे एक सी डबल बॉन्ड सी लगा दो, है ना। बेटा आर्यन, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए देखो वैसे तो मैं सिर्फ इतना ही बताता हूं, आर्क मिश्रा कोड नहीं लग रहा बेटा, यू कैन यूज जस्ट अनुपम ऑल्सो, ठीक है, बट तुम मेरे को टेलीग्राम पे आके वहां पर जरूर मैसेज करना अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वहां पर मेरा कोड काम नहीं कर रहा है, तो है ना, अदरवाइज शुड वर्क, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज अनुपम, ओनली अनुपम, ए यू ए एन यू पी एम, ठीक है, वो भी काम करेगा। ओके 303, सो मैक्सिमम ऑफ यू आर एबल टू आंसर दिस, let's see, okay, the polarity is produced in the molecule by interaction of two pi bonds or between a pi bond and a lone pair, abhi humne discuss kara ki agar mere paas do pi bonds hain unke beech mein kuch ho raha hai, theek hai, या फिर एक पाई बॉन्ड है और साथ में एक ऐसा आइटम है जिस पे लोन पेयर लगा हुआ है, दैन दैट मींस वहां पर रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, तो रेजोनेंस इफेक्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑब्वियसली इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से भी पोलैरिटी होती है ना, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से भी पोलैरिटी होती है, बट यहां पर स्पेसिफिकली बोला है दो पाई बॉन्ड की इंटरेक्शन की वजह से, तो दो पाई बॉन्ड की वजह से इंटरेक्शन की वजह से अगर पोलैरिटी होती है देन वी से कि यार वो हमारी किसकी वजह से हो रही है, रेजोनेंस की वजह से हो रही है, है ना। जैसे यहाँ पर अभी हमने देखा था सी डबल बॉन्ड सी सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसके ऊपर मैंने लिखा था यहाँ डेल नेगेटिव है और यहाँ डेल पॉजिटिव पोलैरिटी रहेगी, बिल्कुल क्लियर है वाली बात। चलो वेरी गुड गाइज, सो आई कैन स्टिल सी कि सम स्टूडेंट्स आर एबल टू मेंटेन देयर पोजीशन, वेरी गुड, प्रियम, करण, जेई, दिवाकर, सब दिवाकर बंसल बोल देते हैं, अभी, कृष्णा, राहुल, डोनाल्ड, अंकुश, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। ओहो यार ये जो है थोड़ा सा हमारे पास क्वेश्चन आधा कट गया है ना, तो मैं तुम्हें इस पे दिखा देता हूँ, इस वाले पे,
वहां पर क्वेश्चन हमारा आधा कट गया है। यहाँ पर बोल रहे हैं सेलेक्ट द स्ट्रक्चर्स दैट आर नॉट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। Okay guys, so if you are not able to use the code Anupam Live, then you can just use the code Anupam also, ANUPM, वो भी तुम्हें जो है 10% discount वहां पर देगा। ठीक है, सो आई थिंक थोड़ा बहुत गलती की वजह से यू आर नॉट एबल टू सी इट, है ना। थोड़ा मेंटी की प्रॉब्लम है, मेंटी का रेजोल्यूशन का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आई थिंक प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, बट इट्स ऑल राइट। ठीक है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन तक लीडर बोर्ड था, आई थिंक यू कैन टेक दैट एज द करेक्ट लीडर बोर्ड, और जिन ये जो ये देख पाए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मेंटी का यार थोड़ा बहुत तो इश्यू होता रहता है। राहुल गुप्ता, ठीक है, फाइनली राहुल गुप्ता जो है वो लीडर बोर्ड में आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन की वजह से आई थिंक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है। लेट्स सी लास्ट क्वेश्चन में क्या था। आई थिंक अगर तुम्हें पूरा क्वेश्चन दिख रहा है तो तुम आसान से बता सकते हो, सेलेक्ट द स्ट्रक्चर दैट आर नॉट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नॉट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताना था, और यहाँ पर नॉट रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली वो है कि हमारा बॉन्ड जो है वो अलग तरीके से अगर हो जाए तो वहां पर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एंड डी इज द करेक्ट आंसर हियर, इट इज नॉट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सो आई अंडरस्टैंड कि मेंटी की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, बट लेट्स सी। ओके गाइस, तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो यहां पर ये जो है ये दिस इज अ ट्रांस एल्कीन एंड दिस इज अ सिस एल्कीन। तो क्या हो गया, ट्रांस और सिस एल्कीन का मतलब हमारे पास मॉलिक्यूल ही चेंज हो गया यहाँ पर। ठीक है, क्या है, मॉलिक्यूल ही हमारे पास चेंज हो गया है, मॉलिक्यूल चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेजोनेंस के अंदर द मॉलिक्यूल शुडंट चेंज। यहाँ पर हमारे पास सिस ट्रांस का जो फंडा है वो हमारे पास सेम रहना चाहिए, बट स्टिल यहाँ पर जो है द कंसेप्ट इज क्या कि यहाँ पर सिर्फ इस तरीके से कर दिया है और यहाँ पर जो एक प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज आ गया है, दैट इटसेल्फ इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द ट्रांसफॉर्म। ठीक है, चलो एनीवे गाइस, तो ये हमारे टाइमिंग्स है, रेगुलर टाइमिंग्स है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को इन टाइमिंग्स पे तुम आके जो है हमारे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। एंड डू रिमेम्बर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को हमारे जो नॉर्मल लेक्चर्स हैं थ्योरी लेक्चर्स उनको भी जरूर अटेंड किया करो, एंड रेगुलरली अनअकैडमी जेई को फॉलो किया करो। अगर हमारा थोड़ा बहुत टाइम का जो है ऊपर नीचे होता है तो वो भी तुम्हें पता लग जाएगा, है ना। इसको अभी तक मतलब यू सब्सक्राइब बटन दबा लो, अगर सब्सक्राइब बटन अभी तक नहीं दबाया है तो जरूर दबा लेना। एंड गाइस, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको तुम फॉलो कर लोगे अगर तो भी तुम्हें अपडेट्स आते रहेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स के। उसमें पूरा जो है हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कौन सा लेक्चर आने वाला है, कब आने वाला है। एंड गाइस, ये जो है टेलीग्राम, ये जो हमारे पास लिंक है, ठीक है, इसको अगर तुम टाइप करते हो अपने ब्राउजर के अंदर तो तुम्हारे पास इस तरह का पेज खुलता है। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि यार मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि सारे के सारे जो मेरे लेक्चर्स हैं वो मुझे एक ही प्लेस पे मिल जाए, मुझे बार बार जो है यूट्यूब में यहाँ वहां नहीं भागना पड़े, तो तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए हमने देखो तुम्हारे लिए एक लिंक बना दिया है। इसको अगर तुम अपने ब्राउजर में डालोगे तो इस तरह का पेज खुलता है, और ये वाला जो पेज है, ठीक है, इसके ऊपर हमने सारे लिंक्स दे रखे हैं, हमारे जितने भी लेक्चर्स अभी तक हुए हैं यूट्यूब पे वो सारे के सारे लेक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, अलॉन्ग विद द पीडीएफ नोट्स ऑल्सो। एंड गाइज, यू कैन ऑल्सो अटेंड, देखो अलॉन्ग विद दीज टाइमिंग्स अराउंड 12 o'clock, ठीक है, यू कैन ऑल्सो अटेंड माई लेक्चर्स स्पेशल क्लासेस ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ठीक है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे 12 p.m. जो है उस पर मैं
जो है अपने लेक्चर्स भी लेता हूँ, और साथ में अलग अलग टाइमिंग पे स्पेशल क्लासेस भी हम लेते हैं। तो अगर तुमने अनअकैडमी प्रोफाइल पे मुझे फॉलो नहीं करा है तो जरूर फॉलो कर लो, बिकॉज ये स्पेशल क्लासेस की मैं जो बात करूंगा जो वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसमें तुम्हारी कोई कॉस्ट नहीं लगती, ठीक है। तो अनअकैडमी.com पे जाओ और फॉलो माई प्रोफाइल, ठीक है। 12 PM पे मेरी जो है नॉर्मली स्पेशल क्लासेस रहती है, कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है, बट दैट इज माई रेगुलर टाइमिंग, ठीक है। उस पर तुम जो है अटेंड कर सकते हो मेरी स्पेशल क्लासेस, वो तुम्हारी बिल्कुल फ्री होती है, ओके। एंड गाइस, अगर तुम्हें जो है अपनी 100% ITJEE की तैयारी करनी ही है, ठीक है, उसमें मतलब ऐसा नहीं छोड़ना है कि कोई अपनी तरफ से कुछ कमी छोड़ दी, ठीक है, तो अगर तुम अपनी सारी जो है कमी वो पूरी करना चाहते हो, अपनी प्रिपरेशन को और बूस्टअप करना चाहते हो, अपनी रैंक की प्रोबेबिलिटी बढ़ाना चाहते हो, बिकॉज JEE इज इटसेल्फ ए कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रैंक मैटर करता है, मार्क्स इतने मैटर नहीं करते, ठीक है। हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, दैट इज वन थिंग, बट क्वेश्चन किस स्पीड से कर पा रहे हैं, क्वेश्चन किस अक्यूरेसी से कर पा रहे हैं, है ना, बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी बहुत मैटर करता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो अगर तुम अपनी इस तरह की जो चीजों को इम्प्रूव करना चाहते हो, तुम्हारी अक्यूरेसी, ठीक है, तुम्हारी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द राइट आंसर एंड ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द बेस्ट रैंक, तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का यूज कर सकते हो। सी, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का मतलब है अनअकैडमी.com या अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है उसका सब्सक्रिप्शन। ये एक पेड सब्सक्रिप्शन है जिसके अंदर हम लाइव क्लासेस तुम्हें देते हैं, वेयर यू कैन इंटरैक्ट विद योर अमेजिंग एजुकेटर्स जो तुम्हें इतनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, और वहां पर हम पोल्स लीडर बोर्ड कंडक्ट करते हैं बच्चों, टेस्ट सीरीज एनालिसिस वहां पर करते हैं, एंड वी ऑल्सो गिव द लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है डाउट्स रह जाते हैं, डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं, ट्रस्ट मी, अगर तुमने डाउट क्लियर नहीं करा तो फिर तुमने JEE की प्रिपरेशन ढंग से नहीं करी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ JEE प्रिपरेशन। अगर तुम प्रैक्टिस सेशन अटेंड करते हो, कुछ ना कुछ डाउट्स आते हैं, वो डाउट जरूर क्लियर करो। अल्टीमेटली तुम्हारा रैंक जो है वही डिसाइड करते हैं कि तुम अपने डाउट्स जो है वो कितने क्लियर करके बैठे हो, कंसेप्ट कितने क्लियर करके बैठे हो, और वो प्रैक्टिस से आते हैं। तो गाइस, दिस वी आर प्रोवाइडिंग यू ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जहां पर, ठीक है, जहां पर हम इस तरह के बैच कोर्सेज रन कर रहे हैं। तुम्हारी जो JEE लाइफ की टीम है वो बैच कोर्सेज रन कर रही है, एंड वी हैव रिसेंटली लॉन्च द कोर्स इन 11th एंड 12th बोथ। जैसे मैंने अभी कोर्स लॉन्च करा है ऑन द थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री इन 11th, एंड 12th के अंदर सरफेस केमिस्ट्री एंड जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका जो है मैंने कोर्स लॉन्च करा है। सो यू कैन कम देयर, ठीक है, यू कैन कम देयर एंड यू कैन अटेंड दीज बैच कोर्सेज, जिसके अंदर तुम्हारी जो है पूरी ITJEE की प्रिपरेशन तो होती है, क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो पाते हैं, तुम अपने डाउट्स जो है वो ज्यादा अच्छी तरह पूछ सकते हो वहां पर। और ध्यान रखना, यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी JEE लाइफ की टीम नहीं है, टॉप इंडिया के जो एजुकेटर्स हैं, कोटा की फैकल्टीज है, वो भी यहाँ प्रेजेंट हैं, साथ में ऐसे ऑथर्स जिनकी बुक्स तुम रेफर करते होगे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, जैसे कि DC पांडे सर, वो वहां पर हैं। सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ ऑल दिस एंड अपनी जो प्रिपरेशन को बूस्टअप करके अपनी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द बेस्ट रैंक उसको इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। सो अनअकैडमी राइट नाउ इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू प्रिपेयर फॉर ITJEE। अगर तुम ओवरऑल देखो द कॉस्ट, द टाइप ऑफ टीचर्स, द फ्रीडम विच यू आर गेटिंग देयर, सो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म राइट नाउ गाइज। और इसका सब्सक्रिप्शन अगर तुम लेना चाहते हो, यू कैन टेक द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन यूजिंग द अनअकैडमी लर्निंग ऐप या अनअकैडमी.com वेबसाइट, दोनों से तुम ले सकते हो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाते हो बच्चों, तो वहां पर जाके तुम्हें क्या करना होता है, उसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप तुम्हें प्ले स्टोर में मिल जाएगी, फिर जाओ अपने प्लस सेक्शन के अंदर, देन यू गो टू द ITJEE सेक्शन एंड देन यू गो टू द गेट सब्सक्रिप्शन लिंक, ठीक है। प्लस पे जाओ, ITJEE पे जाओ एंड देन गो टू द गेट सब्सक्रिप्शन लिंक, और वहां पर तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा, तो यार तुम किस टाइप का सब्सक्रिप्शन वहां पर लेना चाहते हो, किस टाइम का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो। तो देखो, अगर तुम 2021 के अंदर एग्जाम देना चाहते हो, योर बेस्ट थिंग इज कि एक साल का सब्सक्रिप्शन ले लो। अगर तुम 11th में हो, ठीक है, या तुम 9th-10th में हो, तो तुम 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हो, ओके। कॉस्ट अगर देखोगे तो कॉस्ट वाइज बच्चों बेस्ट जो सब्सक्रिप्शन है वो 2 साल का रहता है, बिकॉज उसमें पर मंथ कॉस्ट काफी लो रहती है तुम्हारी, 1500 पर मंथ रहती है, और अगर 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2500 पर मंथ रहती है। अगर तुम एडवांस की तैयारी कर रहे हो और अभी तुम्हारे पास 1 से 3 महीने हैं, तो बेटा तुम 1 से 3 महीने का सब्सक्रिप्शन भी लेके जो है यूज कर सकते हो। एंड गाइस, ऑल्सो रिमेम्बर कि तुम्हारी ये जो कॉस्ट है, ठीक है, तुम कितने भी टाइम का सब्सक्रिप्शन लो, एंड इन फैक्ट किसी भी जगह पर सब्सक्रिप्शन लो, नीट पे भी ले सकते हो, 11th-12th पे भी ले सकते हो सब्सक्रिप्शन, वहां पर अगर तुम अनुपम लाइव कोड यूज करते हो, ठीक है, अनुपम लाइव कोड, या फिर ये अगर वर्क ना कर रहा हो, जैसे कोई स्टूडेंट यहाँ पर बोल रहा था, देन यू कैन यूज द नॉर्मल कोड अनुपम ऑल्सो, सिर्फ अनुपम भी यूज कर सकते हो। एंड गाइज, उससे तुम्हें क्या मिलता है, वहां पर 10% डिस्काउंट मिलता है अपने सब्सक्रिप्शन कॉस्ट में,
ठीक है, क्या मिलता है, 10% डिस्काउंट मिलता है अपने सब्सक्रिप्शन कॉस्ट में, और उसके बाद जो तुम्हारी कॉस्ट है बच्चों दैट कम्स डाउन टू जस्ट 27,000, और 2 साल की जो है दैट इज 32,400, मतलब ये टोटल मिला के कॉस्ट है। बट ध्यान रखना इनको तुम मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे दे सकते हो, इनको तुम मंथली दे सकते हो कॉस्ट को ठीक है, मंथली दे सकते हो, एक साथ देने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ईएमआई ऑप्शंस तुम्हें यहां पर मिल जाते हैं फॉर गेटिंग द सब्सक्रिप्शन फॉर लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स। एंड ध्यान रखना ये जो कॉस्ट है तुम्हारे पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के हमारे 75+ एजुकेटर्स जो हैं, ठीक है, ये कॉस्ट से तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के 75+ एजुकेटर्स से पढ़ सकते हो, ठीक है। तुम्हें बिल्कुल फ्रीडम होता है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कि तुम किस टीचर से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, अलग अलग बैचेस के टीचर से भी पढ़ सकते हो, एक ही बैच के सारे टीचर से भी पढ़ सकते हो, और तुम्हारी पूरी की पूरी तैयारी होती है बिकॉज इतने अमेजिंग तुम्हारे जो एजुकेटर्स हैं वो अपना सारा मटेरियल भी वहां पर शेयर करते हैं तुम्हारे साथ, ठीक है, थ्योरी शेयर करते हैं, तुम्हें प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए बताते हैं क्या यूज करना है। सो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म राइट नाउ टू प्रिपेयर फॉर IIT JEE, ठीक है। एंड ध्यान रखना अगर YouTube सब्सक्राइब नहीं कराया तो यार बिल्कुल कर डालो, YouTube तो वो बिल्कुल सब्सक्राइब कर डालो, एंड जो हमारे दूसरे चैनल्स हैं JEE नीट 9, 10, 11, 12, ठीक है, अगर तुम किसी को जानते हो जो नीट की तैयारी कर रहा है या 9, 10, 11, 12 की तैयारी कर रहा है उनको भी बता देना, ठीक है, कि अनअकैडमी इज रनिंग YouTube चैनल जिसपे इस तरह से हम तुम्हें पढ़ाई कराते हैं, बेस्ट कंसेप्ट प्रोवाइड करते हैं, एंड उसका तुम यूटिलाइजेशन कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन। तो डू रिमेंबर द रेफरल कोड अनुपम लाइव, ठीक है, बट अगर ये वर्क ना करे यू कैन यूज कोड अनुपम ऑल्सो, ओके। चलो बाय गाइस।